फ्रेंड्स आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड आप इसको ट्राई ज़रूर करिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपने इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो अब चलिए फ्रेंड हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और कंडीशन भी देखेंगे कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड लास्ट में हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो बहुत ही सिंपल सी है फ्रेंड। हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, उसी की हेल्प से हम इन ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड? वो फॉर्मूला कुछ नहीं, जैसे हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है और कई बार है जैसे 4 टाइम यहाँ पे है रिपीटेड है ना, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ जो नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखिए 29 ही है ना, तो 29 को लिख लेना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 29। अब क्या करना है, इसके पावर में फ्रेंड, पावर में हमें 2 की पावर, बस यही हाथ रखना है फ्रेंड। यहाँ हमारा 2 रहेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, इसीलिए हम 2 लेंगे। अगर क्यूब रूट आएगा तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ 3 ले लेंगे, लेकिन फ्रेंड इतना आसान नहीं है। क्यूब रूट रहेगा तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर्मूला में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए स्क्वायर रूट टाइप के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा स्क्वायर रूट रहेगा तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, उसकी पावर जो 2 रहेगा इसका पावर कुछ आएगा, वो पावर जो होगा यही होगा, कितने टाइम्स ये है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड कितने टाइम्स है, ये 4 बार 4 लाइनें दिख रही है ना लास्ट वाले नंबर के ऊपर, तो 4 बार है। या तो आप वैसे भी देख सकते हैं कितने बार ये नंबर लिखा हुआ है 29। ठीक, आप किसी तरीके से ये पता कर लीजिए कितने बार है। हाँ, तो यहाँ पे 4 बार है तो 4 हो जाएगा 2 की पावर 4। अब यही चीज़ 2 की पावर 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में भी लिखिए और -1 कर दीजिए फ्रेंड। बस यही हमारा फ्रेंड हमारा फॉर्मूला है, यही जो है फ्रेंड हमारा फॉर्मूला है, और हमें कुछ नहीं करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 29 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 4 होता है फ्रेंड 16, ऊपर 16 - 1 15, तो ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, आशा करता हूँ आपने यही कमेंट किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये तो एक केस हो गया। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, जैसे हमारा मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि रूट फॉर्म में है ऐसे कुछ एन टाइम्स के लिए रहता, तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड अब आपको पता ही चल गया होगा कि फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ ए है तो इसीलिए ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए पावर में हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए n टाइम्स है ना, तो n टाइम्स है इसीलिए n आ जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा 2 की पावर n - 1। तो ये हमारा फ्रेंड फॉर्मूला है, बेसिक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसी को याद करना है। ठीक, ये हो गया। अब चलिए फ्रेंड हम कंडीशंस देख लेते हैं, कब कब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये ट्रिक यूज़ करेंगे। तो कंडीशन भी फ्रेंड हमारी बहुत सिंपल सी है, 3 कंडीशन है बस। पहली कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए, सबसे बेसिक कंडीशन। ठीक, अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा, अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ 3 मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 करते बस काम बन गया, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर रूट होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हर जगह सेम नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ए है ना तो हर जगह सेम हो, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 हो तो यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, हर जगह सेम नंबर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है यहाँ एन टाइम्स तक होना चाहिए, एन टाइम मतलब कुछ फिक्स टाइम तक होना चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स तक हो जाए, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, ऐसे कुछ फिक्स टाइम तक होना चाहिए। ठीक, और नहीं 10 बार भी हो सकता है तो वो आपको ऐसे डॉट डॉट करके बताया रहेगा कि 10 बार है। ठीक, तो फिक्स टाइम तक होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, हमने ट्रिक देख ली, कंडीशन देख ली। अब चलिए हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको फ्रेंड हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला टर्म देखिए a की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, क्योंकि फ्रेंड स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब ये होता है 1/2, पावर में 1/2 यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, एक तरीके से मतलब प्रोडक्ट है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रोडक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/2, लेकिन फ्रेंड इसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट है ना, तो इसका मतलब 1/2 का फिर 1/2 होगा ना, मतलब 1/2 होगा, 1 स्क्वायर रूट हटा ये वाला, उसके बाद ये वाला भी तो स्क्वायर रूट है ना फ्रेंड, इसका एक और 1/2 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम इसी अकेले को सॉल्व करें, ये जो है इतना अकेले सॉल्व करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2,
क्योंकि फ्रेंड लॉग एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, ए की पावर अगर एम है उसका होल पावर एन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं ना फ्रेंड, ये तो बहुत ही बेसिक है आपको पता होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट इसी लॉजिक इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया और ये जो हो जाएगा फ्रेंड ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर अकेले इसका स्क्वायर है ना फ्रेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 है, 1/2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा ठीक, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से देखें फ्रेंड ये जो थर्ड वाला था यहाँ पर हम आगे लिखें इंटू थर्ड वाले को क्या लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। हाँ अब यहाँ पे देखिए एक बार आएगा दो बार आएगा तीन बार आएगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बार आया था ना, एक बार दो बार तो हमारा स्क्वायर हो गया, अब यहाँ तीन बार आ रहा है देखिए एक दो तीन तीन बार आ रहा मतलब यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब तो ये इतना आप जनरलाइज कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो फिर और देख लीजिए। हमने क्या किया कि सबसे पहले ए था इसके ऊपर स्क्वायर रूट था और स्क्वायर रूट मतलब हम जानते हैं कि पावर में 1/2 होता है ठीक, इसे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये प्रोडक्ट में है ना फ्रेंड यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में हमने कर दिया। उसके बाद अब ये देखिए ये वाला नंबर ए जो है इसका एक स्क्वायर रूट है, उसके बाद भी एक स्क्वायर रूट है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ ए इंटू ठीक, इसको एक रूट दो रूट ए लिख सकते हैं ना ये वाले नंबर को हाँ, और इसी तरह इंटू एक रूट ए दो रूट और तीन रूट, इस पर तीन रूट हो जाएगा ये वाले नंबर पर, समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया है ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए इसी तरह ये बढ़ते चला जाएगा एन टाइम्स तक ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड एक्सपोनेंट की, जो शायद आपको पता भी होगी, जैसे एक नंबर है ए उसका कुछ पावर है एम, और एक नंबर है ए एक और नंबर है वही नंबर है सेम नंबर है ए, और उसकी पावर जो है एन है, एम की जगह एन है ठीक, और दोनों का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। ये आपने पढ़ा होगा ना फ्रेंड कि अगर दो नंबर एक नंबर है एक नंबर फ्रेंड एक नंबर है उसका एक बार पावर एम है एक बार एन है और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसी एक नंबर को हम दोनों का पावर का सम लिख सकते हैं ठीक। ये होगा इसी प्रॉपर्टी का फ्रेंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा ना फ्रेंड, यहाँ पे ए सेम हो जाएगा क्योंकि हर जगह ए ए है, और दूसरा हो जाएगा यह पावर में सम हो जाएंगी सारी पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 एन ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड ये जो है हमें जीपी में है, ये तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ना, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, क्योंकि क्या है देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 है, उसमें 1/2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये जीपी में है, जिसका कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारा 1/2 एंड जो कॉमन रेशियो जिसको आर से डिनोट करते हैं वो भी हमारा वह है 1/2, दोनों चीज़ें हमारी 1/2 है। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे सम है, दैट मीन्स ये जीपी में है और ये सम हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं जीपी में जो सम होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा है 1/2 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर क्या होता है कॉमन रेशियो की पावर एन होता है, तो कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पर आर है तो इसकी पावर एन हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस आर होता है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा ना फ्रेंड जीपी का, तो ये होगा सम और यही इसके बराबर है सम के, तो ये इक्वल टू इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 है, नीचे भी सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, यही दोनों कट जाएंगे, अच्छा कर ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की पावर एन हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा और ये 2 की पावर एन, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन ठीक। ये हो गया। अब ये कट गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 की पावर तो एन, दैट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा दिस, हो गया ना फ्रेंड, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। और देखिए फ्रेंड ये यही चीज़ है, ये जो सम आया यही चीज़ होगा, तो दैट मीन्स इसका मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ए की पावर यही चीज़ हो जाएगा, तो ये क्या है 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, तो ये फ्रेंड हमारा आंसर होगा और यही फ्रेंड हमारा फॉर्मूला भी है जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अब ये कॉन्सेप्ट देखने का फायदा देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे तो हमने आ रहा स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम यहाँ से क्यूब रूट के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते थे, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा मतलब 3 हो जाएगा 1/3 और ऐसे करते जाएंगे तो नया फॉर्मूला मिलेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर क्यूब रूट होता 4 रूट होता कि क्या फॉर्मूला मिलेगा। कॉन्सेप्ट फ्रेंड बस यही रहेगा ठीक है ना, तो अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे ये हैं,
अब इनको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड, अब तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है 11 है, तो 11 हमने लिख दिया। उसके बाद इसका पावर जाएगा, पावर में क्या होगा 2 की पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट ही है तो 2 हो जाएगा। कितने टाइम से, एक बार है दो बार है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी चीज़ को ऊपर भी लिख देंगे, ये हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 11। अब यार 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, दैट मीन्स ये हमारा आंसर होगा 11 की पावर 3/4। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से फ्रेंड यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या है 19 है, तो 19 की पावर हो जाएगा फ्रेंड पहले 2 की, और यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया 10। अब यहाँ पे ये मत सोच लीजिए कि ये नंबर है 10, ये टाइम्स का 10 कर रहा है, क्योंकि यहाँ डॉट 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 है ना, इसलिए टाइम्स का 10। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी 2 की पावर 10 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19। अब 2 की पावर 10 जो होता है वो हमें पता है 1024 होता है फ्रेंड, वही MB GB वाला कॉन्सेप्ट है, इसी से ये याद रहता है, क्योंकि 1 GB कितना होता है 1024 MB, तो वो 2 की पावर 10 ही होता है। ठीक, तो 1024 हो जाएगा, और वहाँ से ऊपर वाले जो है माइनस कर देना है 1, तो दैट इज 1023, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 बार है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर भी माइनस हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 माइनस 1 15, तो ये हमारा फ्रेंड आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना फ्रेंड ये ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया। ठीक है ना फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।